हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज क्लास ट्वेल्थ मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, अब मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए। कास 2x^4 dx का इंटीग्रेशन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमें मालूम है फार्मूले से कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 cos 2x/2 होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम यहां पे इसको कास स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन होगा सोल्यूशन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कास 2x का ये पूरे का स्क्वायर लिखेंगे और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। कास 2x का स्क्वायर, कास स्क्वायर 2x, यहाँ पे कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अब हमको यहाँ पे x की जगह पे 2x निकालना है, तो x की जगह पे यदि हम 2x लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस, जैसे x का दुगना 2x हो गया, इसी तरह से 2x का दुगना कितना हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट कर देंगे cos स्क्वायर 2x का फल हो जाएगा 1 plus cos 4x और बटे में 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड कर लेना है, तो कर दीजिए, तो 1 plus cos square 4x और प्लस 2 cos 4x और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे भी कास स्क्वायर 4x का हमको लाना है, तो यदि हम कास स्क्वायर 4x को लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस, और कास स्क्वायर 4x का यदि हम फार्मूला फाइंड करें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 4x, तो ये होगा x की जगह पे 4x रखेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 4x, और यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, हमको रखना पड़ेगा 2x, तभी तो तभी हमारा हो जाएगा, x के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 4x रखना, हमको निकालना है cos 4x का, तो cos स्क्वायर 4x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा cos 1 plus cos 8x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, जैसे 2 का दुगना 4 हो गया, तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा, cos 8x बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 8x बटे में 2 लिख लेंगे और प्लस क्या करेंगे, ये 2 cos 4x और dx का इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब हमारे प्यारे बच्चों, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 1 plus cos 8x और प्लस 2 जा 4 हो जाएगा cos 4x और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको हम फाइंड कर देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा और 3 प्लस cos 8x और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे यहीं पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे cos 8x और ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 था तो ये 1/2 यहाँ पे हमने रखा नहीं, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा और क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे जब हम करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा cos 8x dx हो जाएगा और प्लस, और यहाँ पे क्या होगा कि 4 होगा और 4 cos 4x और dx हो जाएगा। अब इसको हमको फाइंड कर देना है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपान
एट हो जाएगा और यहां पे होगा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस और यहां पे इसका x का कोफिशियंट को अपान 8 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 8x हो जाएगा साइन 8x और प्लस 4/4 इसका भी साइन 4x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से एक मैंने आपको बताया, देख लीजिए इसमें 3dx का क्या होगा, जिसे 3 को आप बाहर कर लेंगे और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और cos 8x dx का क्या होगा कि एक x का कोफिशिएंट है तो ना पानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इस तरह से sin 8x हो जाएगा और प्लस cos 4x का 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो sin 4x और प्लस c हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेल के साथ साथ हाल को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करते करिए। मैं बच्चों आप लोगों को इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा, बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई टू वेरी मच।